बड़ी खबर जान लीजिए, भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सदस्यता को निलंबित किया है। 45 दिन में डब्ल्यूएफआई चुनाव ना होने पर एक्शन लिया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने जो है ये एक्शन लिया है और अब निलंबित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती संघ की जो सदस्यता है अब उसको निलंबित कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। इस वक्त ये कहा जा रहा है भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता सस्पेंड कर दी गई है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने ये सदस्यता निलंबित की है 45 दिन, और ये कहा जा रहा है 45 दिन में डब्ल्यूएफआई चुनाव ना होने पर ये एक्शन हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। एक्शन की जानकारी, भारतीय कुश्ती संघ पर सस्पेंड किया गया और मेंबरशिप को सस्पेंड कर दिया गया है। यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने सदस्यता को निलंबित किया और ये कहा जा रहा है कि 45 दिन का वक्त था, 45 दिन में इलेक्शन होना था, चुनाव होना था, चुनाव ना होने पर ये एक्शन लिया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये फैसला लिया है। भारतीय कुश्ती संघ की सदस्यता को सस्पेंड कर दिया गया है। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने ये फैसला लिया। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जीएस विवेक जुड़ रहे हैं इस खबर को विस्तार देने के लिए। जीएस विवेक, यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने जो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है उस पर ये एक्शन लिया है। पहले भी उसने कहा था कि अगर 45 दिन में चुनाव नहीं होते हैं तो हम ऐसा करेंगे, तो इस बीच में 45 दिन में क्यों नहीं चुनाव कराए गए? देखिए विवेक, ये यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का जो है एक पॉलिसी नियम है कि 45 दिन का समय दिया था डब्ल्यूएफआई को इलेक्शंस कराने के लिए, लेकिन उसके बाद पहले गुवाहाटी हाई कोर्ट में स्टे लगा, दिल्ली हाई कोर्ट में स्टे हुआ, उसके बाद चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने अभी स्टे कर रखा है इलेक्शंस को, क्योंकि जितने भी स्टेट बॉडीज हैं उन सब ने कोर्ट पर जाके स्टे कर दिया है। और स्टे की वजह से नॉमिनेशन फाइल हो चुके हैं, कौन कौन लड़ने वाला है, दो पैनल तैयार हो गए, और एन मौके पर इलेक्शन के दो दिन पहले एक बार फिर स्टे लग गया जिसकी वजह से इलेक्शंस नहीं हो पाए हैं। तो इन्हीं इंटरनल चीजों की वजह से इलेक्शंस रुके हुए हैं, और क्योंकि इलेक्शंस रुके हुए हैं और 45 दिन का जो डेडलाइन था वो तकरीबन एक महीने पहले ही खत्म हो चुका है जो यूडब्ल्यूडब्ल्यू ने दिया था, तो उसके बाद अब उन्होंने इंतजार ना करने का फैसला लिया क्योंकि वो उनका एक पॉलिसी कॉल है, और इसीलिए उन्होंने आईओए को एक चिट्ठी लिखी है। फिलहाल आईओए जवाब देने की तैयारी कर रहा है, वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि यहाँ पर कानून और उसके कायदे कानून क्या है और क्यों ये इलेक्शन कर नहीं पा रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो करना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन कोर्ट की वजह से रुका हुआ है, इसीलिए वो लेटर लिखेंगे। लेकिन फिलहाल अब तक के लिए इसका क्या असर होगा? रेसलर्स को यूडब्ल्यूडब्ल्यू के फ्लैग में खेलना होगा। इसका क्या असर होगा विवेक, एक बार समझा दीजिए दर्शकों को, ये जो निलंबन हुआ इसका असर क्या होगा? देखिए सीधे मायने में अगर मैं आपको समझाऊं तो कुछ ऐसा ही आईओए के साथ हुआ था 2 साल पहले, कुछ ऐसा ही जो है एआईएफएफ फुटबॉल फेडरेशन के साथ हुआ था, ठीक वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। भारतीय रेसलर्स पर इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। शुक्रिया विवेक आपका पूरी जानकारी के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और हिमाचल प्रदेश में आसमानी आफत से जो तबाही मची है वो तस्वीरें दिखाते हैं, खबर दिखाते हैं आपको। हिमाचल के कुल्लू में कई मकान धराशायी हो गए हैं। आज सुबह पहाड़ी धंसने से कई मकान ढह गए हैं दरारों की वजह से। एक हफ्ते पहले ही ये मकान जो है खाली करवाए जा चुके थे, ये अच्छी बात रही। अभी तक जान के नुकसान की कोई सूचना नहीं है, लेकिन ये हादसा कितना खतरनाक है इसकी भयावहता आप इन तस्वीरों से समझिए कि ये जो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, एक पूरा मकान आली बाजार, कुल्लू के आली बाजार इलाके में गिर जाता है, धराशायी हो जाता है, धूल उड़ने लगी है। देखिए पूरे धूल ने इलाके को घेर लिया, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग थी और वो पूरी की पूरी बिल्डिंग गिर गई है। एक बार फिर से उस ढहते हुए मकान को देखिए। हिमाचल प्रदेश वो राज्य जहां पर सबसे ज्यादा तबाही हुई है, इस प्राकृतिक आपदा ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई है। जो बाढ़ और बारिश की जो सबसे खतरनाक, सबसे भयावह, सबसे क्षतिग्रस्त करने वाली जो कंस्ट्रक्शन थे उन्हें क्षतिग्रस्त करने वाली जो तस्वीरें आईं वो हिमाचल प्रदेश से आईं। हिमाचल प्रदेश में एक और तस्वीरें आप देख लीजिए। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आली बाजार इलाका है कुल्लू का, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू, और वहाँ पर कैसे ये बिल्डिंग गिर रही है। अच्छी बात ये रही
कि पहले से ऐसी घटना की संभावना थी तो इसे वहां से लोगों को हटा लिया गया था, तो कोई जान माल की जान की क्षति नहीं हुई है। देखिए हिमाचल में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है, भारी बारिश ने कहर बरपाया हुआ कि बड़ी खबर इस वक्त ही मंडी से है। जोगिंदर नगर में बरसात के चलते भारी तबाही यहां पर भी हुई है। यहां एक पैदल पुल धराशायी होने से अब लोगों के सामने मुसीबत ये है कि वो एक जगह से दूसरे जगह जाए कैसे, आवाजाही का संकट है। नाले में आई उफान से पुल टूट गया जिससे स्थानीय लोगों के सामने आवाजाही का संकट खड़ा हो गया है। स्थानीय लोग आने जाने के लिए इसी पुल का सहारा लेते थे, कहा जा रहा है यही एक पुल एक जरिया था लोगों के सामने, लेकिन अब पुल टूटने से उनकी मुसीबत यहां पर बढ़ गई है। देखिए नदी नाले सब उफान पर हैं, लगातार बारिश और बारिश के बाद ये तस्वीर आप देखिए, नाला उफान पर, नाले के ऊपर जो लोगों ने आवागमन के लिए आवाजाही के लिए एक पुल बना रखा था या फिर जो पुल इन लोगों के लिए बनाया गया था कि एक जगह से दूसरे जगह ये जाएंगे, अब वो पुल टूट चुका है, इस तरीके से धराशायी हो चुका है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी आप देख रहे हैं। अब जो लोग यहाँ आर पार रहते हैं उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत चुनौती ये कि वो आवागमन कैसे करेंगे, आवाजाही वो करेंगे कैसे, सबसे बड़ा संकट है यहाँ के लोगों के सामने। और सचिन हमारे साथ ही फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सचिन, इस पुल को लेकर जानकारी दीजिएगा, कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, कितने लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं, कितने ये कहा जा रहा है कि लोग इसी पुल से सफर करते थे, यही एक जरिया था लोगों के आवागमन के लिए जो टूट चुका है। जी बिल्कुल, देखिए ये सिर्फ एक इकलौता पुल था जहाँ से लोग जो है आज आते जाते थे, और अब ये जो है पुल जो है क्योंकि टूट गया है तो दोनों तरफ से लोग जो है अब जो है उनका जो आना जाना है वो बिल्कुल बंद हो गया है। तो एक तरह से जो मतलब हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है लोगों का जो है वो पूरी तरह टूट गया है इस पुल के टूटने की वजह से। जी अब लोगों का क्या, जो इस पुल के आर पार लोग रहते हैं उन तक कैसे पहुंचा जाएगा, उनके बारे में क्या जानकारी है, वो सुरक्षित है? तो प्रशासन को नहीं, लोग तो सुरक्षित है पर प्रशासन को इसका कोई ना कोई अल्टरनेट तो अब निकालना पड़ेगा क्योंकि लोगों तक पहुंचना जो है वो एक चैलेंज जरूर रहेगा प्रशासन के पास। तो प्रशासन को कोई ना कोई अल्टरनेट जो है जल्दी से जल्दी जो है वो निकालना पड़ेगा लोगों तक ताकि जो है पहुंचा जाए जल्दी से जल्दी। यही एक पुल था इस इलाके को जो दूसरे इलाके से जोड़ता था, तो दूसरा रास्ता कितनी दूर से होकर जाता है इसके बारे में कोई जानकारी या फिर प्रशासन ने कोई बयान जारी किया हो? जी अभी प्रशासन की तरफ से इसको लेकर कोई बयान नहीं है आधिकारिक तौर से, पर अल्टरनेट रूट जो है, अल्टरनेट रूट भी क्योंकि तमाम जगहों पे जो है लैंडस्लाइड हो रहे हैं, पेड़ गिर रहे हैं, तो अल्टरनेट रूट भी अभी जो है उनको प्रशासन की तरफ से जो है क्लैरिटी जो है की जाएगी कि कौन सा रास्ता जो है वो अख्तियार किया जा सकता है। अगर बहुत बड़ा चैलेंज है प्रशासन के लिए भी कि एक जो पुल था वो टूट गया है तो लोगों तक कैसे संपर्क स्थापित किया जाए। हिमाचल प्रदेश का मंडी जोगिंदर नगर में पुल टूटा है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। हिमाचल में मानसूनी आफत का कहर जो है वो देखने को मिल रहा है। 24 जून से अब तक 361 लोगों की मौत हो गई है, 342 लोग घायल हुए हैं, 2237 घर पूरी तरह से तबाह हो गए हैं, 63 जो हैं फ्लैश फ्लड और 136 लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं पूरे हिमाचल प्रदेश में। ये वो आंकड़े हैं जो ये दिखाते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में तबाही बरपी है। ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जनजीवन परेशान हुआ है कई इलाकों में, क्योंकि अभी तक 136 पूरे राज्य में 136 लैंडस्लाइड के मामले सामने आए हैं, 63 फ्लैश फ्लड के, 2237 घर, 2237 एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, आशियाना तबाह हो गया है, 342 लोग घायल हैं, 361 लोगों की जान चली गई है। 24 जून से अब तक का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में किस तरह से अफरा तफरी मची है, किस तरह से लोग परेशान हैं, किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और परेशानी हो रही है हिमाचल प्रदेश में लोगों को। डराने वाली तस्वीर सामने आई है, घाघरा नदी जो है वो उफान पर है, अब लोगों की मुश्किल उससे बढ़ गई है। जो लोग नदी के रास्ते में आ रहे हैं, जो भी कंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं रास्ते में, मतलब नदी के किनारे जो कंस्ट्रक्शन हुए हैं, जो निर्माण हुआ है, वो उसमें विलीन हो जा रहा है। घाघरा नदी अपनी जद में ले रही है उसे, जिसकी सबसे ताज़ा और खतरनाक तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर चल रही है आप देख रहे हैं वो है। घाघरा किनारे कटान से अब लोगों के सामने बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है। आप देखिए किस तरह से
बलिया के गोपालपुर टांडी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पूरा का पूरा घर नदी में समा गया। इस वीडियो के बाद इलाके के लोगों में दहशत है। घर जो था वो नदी के किनारे बना हुआ था, ये जो निर्माण है वो नदी के किनारे था। नदी ने कटान करना शुरू किया और नदी आगे बढ़ती चली गई, वो इतना आगे, कटान इतना ज्यादा कि पूरा जो घर है वो घाघरा नदी में समा गया, जमींदोज हो गया घर। अब आगे बढ़ते हैं। यूपी में आसमानी आफत का कहर लगातार जारी है। उन्नाव से भी तस्वीरें सामने आई हैं। एक कच्चा मकान बारिश की वजह से जमींदोज यहां पर हो गया, जिसमें मां और बेटी दब गई हैं, ये जानकारी, जिन्हें मुश्किल से बाहर निकाला गया। गनीमत वाली बात यह है कि उन दोनों को बाहर निकाल लिया गया है। आफत में जान, उन्नाव की ये तस्वीर। बारिश बेतहाशा और बारिश के बाद मकान गिरा, मलबे के नीचे माँ और बेटी दोनों ही दब गए, ये कहा गया। लेकिन जो लोग वहाँ पर थे और जो रेस्क्यू के लिए टीमें पहुँची होंगी, उन्होंने ये कहा जा रहा है कि दोनों को बमुश्किल बाहर निकाल लिया गया। लेकिन हिमाचल से लगाए यूपी तक आप देखिए किस तरीके से बारिश का कहर। यूपी के अलग अलग हिस्से जहाँ पर लगातार बारिश का दौर और बारिश के बाद कई जगहों से खबरें भी सामने आ रही हैं जहाँ पर हादसे हुए हैं। ये उन्नाव की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर बारिश की वजह से मकान गिरा और मकान गिरने की वजह से हादसा हुआ। माँ और बेटी जो इस मकान में रहते थे वो इसके नीचे दबे, मलबे के नीचे आ गए। लेकिन थोड़ी सी राहत वाली बात यह है कि दोनों को ही निकाल लिया गया। चलिए अब एक सियासी खबर की बात कर लेते हैं। इंडिया गठबंधन की मुंबई में होने वाली बैठक में गठबंधन का लोगो जो है वो जारी किया जाएगा। गठबंधन का नया लोगो नाम की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। जो नाम है इंडिया उसी के तर्ज पर डिजाइन किया गया है गठबंधन का लोगो जो है। गठबंधन का संयोजक के नाम का ऐलान मुंबई के बैठक में तय होने की उम्मीद कम है। 11 सदस्यों की कमेटी के नाम का जो ऐलान है वो भी किया गया है इस बैठक में होगा। इस बैठक में ही 11 सदस्यीय कमेटी के नाम का ऐलान किया जाएगा। कई राज्यों के सीटों के बंटवारे पर भी इंडिया गठबंधन में बड़े नेताओं के बीच बातचीत संभव है। मध्य प्रदेश, दिल्ली, महाराष्ट्र जैसे राज्य में गठबंधन पर बातचीत हो सकती है। बड़ी खबर, बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि इंडिया गठबंधन जो है उसकी जो मुंबई में बैठक होने वाली है वहां पर इसका लोगो भी जारी किया जाएगा और गठबंधन के संयोजक का नाम भी तय होगा। 11 सदस्यों की कमेटी का भी नाम यहां पर तय होगा, ऐलान किया जाएगा। तो अब से करीब 18 घंटे पहले चांद पर चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत ने नया इतिहास रच दिया। दुनिया में जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने कर दिखाया और दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया जिसने चांद के साउथ पोलर रीजन में अपना झंडा गाड़ दिया है। बिल्कुल, लेकिन याद कीजिए वो वक्त जब हमारे वैज्ञानिक साइकिल और बैलगाड़ी से रॉकेट लॉन्च का सामान ले जाते थे, जब दूसरे देश मदद से इनकार कर देते थे, भले ही पैसों की कमी थी लेकिन हौसलों की कमी नहीं थी। और उसी का ये नतीजा है कि हिंदुस्तान साइकिल से चला था और आज अपनी उड़ान से उसने पूरे विश्व को हैरान कर दिया है। यूं लगा कि जैसे छुआ आसमान, चांद तारों से झिलमिल था वो जहां, एक तारा मैं भी तोड़ लाया यहां, जिसकी रोशनी से आज जगमगा उठा है हिंदुस्तान। आज हिंदुस्तान के दिल में भावनाओं का ऐसा सैलाब है
जो संभाले नहीं संभल रहा। भारत की इस मिट्टी पर रहने वाला हर नागरिक गर्व से कह रहा है कि देख लो, ये है हिंदुस्तान की ताकत। पूरी दुनिया नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के इस कमाल को सलाम कर रही है। हमने चांद पर तिरंगा लहराया है, हमने उम्मीदों के आसमान में उड़ान कैसे भरी जाती है ये करके दिखाया है। हमने धरती पर संकल्प लिया और चांद पर उसे साकार किया। भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। लेकिन यह आसान नहीं था, बल्कि आसान नहीं था ये शब्द उन चुनौतियों के आगे बौने मालूम पड़ते हैं जो हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों के सामने थी। हम चंद्रयान 3 की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं उस दौर की जब देश अंतरिक्ष में उड़ान के सपने देख रहा था। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये दो तस्वीरें बता रही हैं कि आज हिंदुस्तान ने क्या हासिल किया है, हम कहां से चले थे और कहां तक पहुंचे हैं। साइकिल पर रॉकेट लेकर चले थे, बैलगाड़ी की मदद से प्रक्षेपण का सामान पहुंचाया करते थे और आज चांद पर कदम रखकर हमने दुनिया को बता दिया है कि यूं ही नहीं कहा जाता कि सबसे आगे होंगे हिंदुस्तानी। चंद्रमा को छूने की हमारी इच्छा शक्ति, चंद्रमा को आगोश में लेने की हमारी इच्छा शक्ति और संकल्प और प्रबल हुआ है और मजबूत हुआ है और दृढ़ हुआ है। वाकई कोई चुनौती हमारा रास्ता रोक नहीं पाई, कोई मुश्किल हमारे हौसले को पस्त नहीं कर पाई और ये सिर्फ चंद्रयान 3 की कहानी नहीं है। अंतरिक्ष में जब भारत अपने पहले कदम रखने जा रहा था तब किसी ने नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान चांद के साउथ पोलर पर अपनी मौजूदगी का लोहा मनवाएगा। अंतरिक्ष में उड़ान की दौड़ में भारत बहुत देर से शामिल हुआ था और बेहद सीमित संसाधनों के साथ दौड़ना शुरू किया था, कैसे वो कहानी देखिए। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद ही अमेरिका और रूस स्पेस का सिकंदर बनने के लिए बेताब हो गए थे, एक दूसरे को पीछे छोड़ने के लिए पैसा पानी की तरह बहा रहे थे। सबसे पहले 1957 में स्पुतनिक के साथ अंतरिक्ष में कदम रखने वाला सोवियत पहला देश बना। अमेरिका और सोवियत के बीच जंग छिड़ी थी और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 1969 में अमेरिका ने अपोलो 11 मिशन पर 2,00,000 करोड़ रुपए खर्च किए थे। लेकिन भारत का सफर शुरू हुआ था केरल के तट थुम्बा से, जब भारत ने अपने पहले साउंडिंग रॉकेट का प्रक्षेपण किया था। वो तारीख थी 21 नवंबर 1963, जब दुनिया के किसी देश ने कल्पना भी नहीं की थी कि भारत अंतरिक्ष में एक दिन वो उड़ान भरेगा जो मिसाल बन जाएगी। केरल का थुम्बा मछुआरों का गांव था, एक चर्च के आगे खाली जगह प्रक्षेपण के लिए तय की गई थी। बिशप के घर को प्रयोगशाला बनाया गया था, भारत ने प्रक्षेपण के लिए रॉकेट नासा से लिया था। लेकिन हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन तक के साधन नहीं थे, जिसकी वजह से रॉकेट के हिस्से को साइकिल की मदद से प्रक्षेपण की जगह पर पहुंचाया गया था। केरल के थुम्बा से पहला रॉकेट लॉन्च होने के 6 साल बाद 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। '71 में श्रीहरिकोटा में स्पेस सेंटर बना था, जिसे आज सतीश धवन अंतरिक्ष सेंटर के नाम से जाना जाता है। यहीं से सभी सैटेलाइट्स का प्रक्षेपण किया जाता है।
भारत ने एक बार चलना शुरू किया तो फिर वो रुका नहीं, वो बढ़ता रहा और एक के बाद एक कारनामे दिखाता रहा। 19 अप्रैल 1975 इसरो ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया था। 1977 में सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ जो टीवी को गांव-गांव तक लेकर गया। 18 जुलाई 1980 को पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 लॉन्च किया गया और 1981 में इसरो का पहला कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च हुआ। 1981 में इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट के लिए एक टेस्ट करना था और पेलोड ले जाने के लिए बैलगाड़ी की मदद लेनी पड़ी थी। 3 साल बाद वो मौका आया जब पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री के तौर पर राकेश शर्मा ने 8 दिन स्पेस में बिताए थे। स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा, सारे राष्ट्र का ध्यान आपके तरफ है, ऊपर से भारत कैसा दिखता है आपको? जब दुनिया ने मदद से इनकार कर दिया तब इसरो ने अपना क्रायोजेनिक इंजन बना लिया था। हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों की जिद और जुनून ने आज देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। साल 1999 का करगिल युद्ध भला कौन भूल सकता है। जब करगिल युद्ध में दुश्मन की लोकेशन का पता लगाने के लिए अमेरिका के GPS की जरूरत पड़ी थी तब अमेरिका ने मदद से साफ इनकार कर दिया था और हिंदुस्तान ने ठाना था कि वो अपना GPS बनाकर रहेगा। भारत समेत दुनिया के चुनिंदा देशों के पास अपना खुद का नेविगेशन सिस्टम है। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान-1 का मिशन शुरू किया था। 1 साल बाद 25 सितंबर 2009 को भारत ने दुनिया को बताया कि उसने चंद्रमा की सतह पर मौजूद पानी का पता लगाया है। उस वक्त विश्व ने हिंदुस्तान को सलाम किया था। 2013 में इसरो ने मिशन मार्स लॉन्च किया। 0+1, 2, 3 और 24 सितंबर 2014 ये वो तारीख है जब दुनिया भौचक्की रह गई, क्योंकि भारत इस तरह के अभियान में पहली बार में सफल होने वाला इकलौता देश बन गया था। मिशन मंगल के साथ भारत ने दुनिया को ये बता दिया कि किस तरह बेहद कम लागत में बड़े से बड़े मिशन को कामयाब करने में वो सक्षम है। मिशन मंगलयान की कीमत हॉलीवुड की फिल्म ग्रेविटी की लागत से भी कम थी। मंगल तक जाने पर भारत को प्रति किलोमीटर 7 रुपए का खर्च आया था। आमतौर पर ऑटो का किराया भी इससे ज्यादा होता है। मंगलयान की लागत सिर्फ 400 करोड़ रुपए थी। बड़ी अपडेट जान लीजिए उत्तर प्रदेश के बलिया से। बलिया से एक डराने वाली तस्वीर सामने आई जहां घाघरा नदी के उफान से लोग मुश्किल में हैं। नदी के रास्ते में जो भी आ रहा है नदी उसको अपने में समाहित कर ले रही है, घाघरा अपनी जद में ले रही है। अब देखिए ये जो तस्वीर आपको दिख रही है ये कितनी खौफनाक तस्वीर है। घाघरा नदी कटान करने लगी है, ये बड़ा संकट खड़ा हो गया है। देख सकते हैं आप कि बलिया के गोपालपुर टांडी गांव की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये पूरा घर नदी में समा गया है। इस वीडियो के बाद इलाके में दहशत फैल गई है। ये अपडेट हम दिखा रहे हैं, जो नदी आपको दिख रही है ये घाघरा नदी है, उत्तर प्रदेश का बलिया। ये नदी के पास घर का निर्माण हुआ था, नदी कटान करते करते यहां तक पहुंची। ऐसा नहीं था कि बिल्कुल ही नदी के किनारे घर बनाया गया था, इसके बाहर भी जमीन थी लेकिन नदी ने लगातार कटान किया और यहां तक आ गई। और उसके बाद की तस्वीर आपके सामने है कैसे पूरा का पूरा घर समाहित हो गया है, समा गया है, नदी में बह गया है, उसकी तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तो आपने उत्तर प्रदेश के बलिया की तस्वीर देखी। अब आपको लिए चलते हैं उन्नाव, वहां पर भी आफत ऐसी ही मची हुई है। एक कच्चा मकान था वो बारिश में ढह गया है।
माँ और बेटी उसी के नीचे दब गई, लेकिन अच्छी बात यह रही कि गांव वालों ने उन्हें निकाल लिया। ये आपको तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला, यहां पर बारिश हुई, बारिश के बाद जो कच्चा मकान था वो कैसे ढह गया, वो कैसे गिर गया, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और गिरने के बाद जो गांव वालों थे उनकी मदद से इसमें जो माँ और बेटी दो लोग दबी हुई थी उनको निकाल लिया गया है, लेकिन मकान कैसे भरभरा कर गिर गया है बारिश की वजह से उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ईंट पड़ी हुई दिखाई दे रही है क्योंकि मकान कच्चा था, तो ऐसे में दुर्घटना की संभावना और ज़्यादा हो गई थी, लेकिन बारिश हुई और उसके बाद ये मकान गिर गया। इस घर में उस समय एक माँ और उनकी बेटी रहती थी, लेकिन उन्हें अब निकाल लिया गया है। किसी के हताहत होने की कोई खबर, कोई सूचना नहीं है, लेकिन गिरा हुआ मकान उन्नाव जिले से उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।